राजपावली पुलिस थाना अंतर्गत मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति की लातों घूसों से मारपीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पाचपावली पुलिस स्टेशन अंतर्गत बारसे नगर कुंभारपुरा निवासी फिरियादी राजेश अतुल सहारे और आरोपी विकास गुणवंत साखरे रिश्ते में मामा और भांजा लगते हैं। राजेश ने पुलिस में शिकायत में कहा कि उसके पिता अतुल धर्मदास सहारे और आरोपी विकास साखरे के साथ विवाद हो गया। इसके चलते दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। आरोपी विकास तैश में आ गया और उसने अतुल के मुंह, पेट और छाती पर मुक्के से जोरदार प्रहार किया, जिससे वह नीचे गिर गया। इसके बाद भी वह उसे मारता रहा, मुंह पर पैर से मारता रहा। इस दौरान अतुल की मौत हो गई। इस घटना की शिकायत अतुल के बेटे राजेश ने पुलिस में की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भानवी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। घटना अशी आहे की बारसेनगर मध्ये अतुल धर्मदास सहारे वय 58 वर्षे राहतात, त्यांच्याच घरी त्यांचा विकास गुणवंत साखरे हा वय 32 वर्ष हा सुद्धा राहतो। त्यांचा अपसात पटत नाही, बऱ्याच दिवसाचं भांडण आहे। दिनांक 26/11/2020 रात्री 10:30 दरम्यान अतुल सहारे हा कामावर, त्याच्या आधी अतुल सहारे हा कामावर घरी आला आणि दारू पिलेला होता आणि बडबड करत होता। त्याच्या भाच्याला विकासला वाटलं की हा मला शिव्या करतोय, मग त्याच्याशी त्याचं भांडण झालं। त्याच्यामुळे अतुलने त्याला शिव्या केली व धक्काबुक्की केली। त्याचा राग मनात दडून विकासने मामाला हातापुक्याने मारहाण केली। त्यावेळी मामा खाली पडल्यावर त्याच्या तोंडावर, छातीवर लातीने मारहाण केली आणि त्यामुळे तो बेशुद्ध झाला। पोलिसांना माहिती मिळाली, पोलीस घटनास्थळी पोहोचले। त्याचा मुलगा राकेश सहारे याला सोबत घेऊन त्याला उपचारासाठी दवाखान्यात नेले। डॉक्टरांनी तिथे त्याला मृत घोषित केले। फिर्यादी राकेश याने दिलेल्या तक्रारीवरून 302 गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि आरोपीला ताब्यात घेतलेलं आहे। पुढील चौकशी सुरू आहे। आरोपीवर गुन्हा नाही, गुन्हे दाखल नाही, पण मृतक आहे। मृतकावर गुन्हे दाखल आहे, ज्यावर 5 गुन्हे दाखल आहे, 91, 97, 98, 2002, 2016 त्याच्या भावाच्या मर्डरचा पण गुन्हा दाखल आहे। मिलिंद सहारेचा 1998 साली त्यांनी मर्डर केलेला आहे, तो पण गुन्हा दाखल आहे। तक मेरा मामा था, आरोपी मेरा भाई था, दोनों शराब पी के थे। आपस में उनकी झंझटबाजी हो गई, एक मेरे को धक्का मुक्की में इसकी मौत हो गई। कारण कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दारू के नशे में एक मेरे को मारने में आ गया है। इसने धक्का वगैरह दे दिया तो उसके सिर पे कुछ गहरी चोट लगने से मौत हो गई। यानी कुछ भी नहीं है, वो दोनों शराबी थे, डेली शराब पीते थे और डेली झगड़ा करते थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, NBC News, नागपुर।